गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोगों की पढ़ाई शुरू हो गई है और आपने जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल जो है रेडी कर लिया है अगले नीट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि जो कंट्रोवर्सी है और जो एग्ज़ाम का रिजल्ट है सब चलता रहेगा, ठीक है। काउंसलिंग भी होगी, बट अगला जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है वो तो टाइम पे ही होगा, तो आपकी प्रिपरेशन फुल होनी चाहिए। सो यू मेक श्योर दैट आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। चलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो कि सेल सेल का पार्ट है एक्चुअली में, ठीक है। जब हम सेल को एनालाइज करते हैं, सेल को स्टडी करते हैं, सेल के एनाटॉमी को देखते हैं, तो उसमें हमको डिफरेंट ऑर्गेनेल देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो कंटिन्यूएशन है, मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में फंक्शन करते हैं। मतलब उनका जो फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है। मतलब कुछ काम ये करेंगे तो ये आगे मूव करा देंगे, फिर कुछ काम ये करेंगे फिर ये यहाँ से कुछ आगे, ऐसे चीज़ें होंगी, ठीक है। तो कुछ सेल ऑर्गेनेल जो कि कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करते हैं, उन्हीं सेल ऑर्गेनेल को मिला के, ठीक है, या उन पूरे सेल ऑर्गेनेल को एक साथ क्या बोलते हैं? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, ऑर्गेनेल्स हुज फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड फॉर्म्स द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर है कि नहीं? कोऑर्डिनेटेड बहुत ज़रूरी है, फंक्शन यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं सबका कुछ ना कुछ फंक्शन है, तो ऐसा नहीं है कि सब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे, नहीं, सबका इंडिविजुअल फंक्शन भी है। जैसे क्लोरोप्लास्ट का अपना फंक्शन है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना फंक्शन है, तो ये सब जो है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट में नहीं आते हैं। तो क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें? इसमें आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गॉल्जी एपरेटस आएगा, वैक्यूल्स भी आएगा और लाइसोसोम्स आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, स्पेशली प्रोटीन, प्रोटीन का जो फॉर्मेशन से लेके प्रोटीन के मॉडिफिकेशन से लेके प्रोटीन की सॉर्टिंग तक, ठीक है। और उसके अलावा जो सेल डेब्रीज हैं या किसी सेल ऑर्गेनेल को डैमेज करना है, सेल डेब्रीज को क्लियर करना है, तो उसमें भी इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या नहीं आएगा? क्लोरोप्लास्ट नहीं आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा और पराक्सीसोम नहीं आएगा। तो क्लियर है, ठीक है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम पहला सिस्टम पढ़ेंगे आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके पहले आप पॉज करके इसको एक बार बस देख लीजिएगा, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम बात करते हैं तो ये एक सेल ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनेल है, यूकैरियोटिक सेल की ये प्रॉपर्टी है। मतलब यूकैरियोटिक सेल में ही मिलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, स्कैटर्ड होता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो मतलब ऐसे नहीं है, सॉलिड नहीं है, ट्यूब है, ठीक है। मतलब बीच में गैप ऐसे आएगा, फ्लैटेन स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा फ्लैटेन स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, लेकिन बीच में ना ये जो है अगर अंदर देखेंगे तो ये ल्यूमेन है, जैसे पाइप होती है ना, हाँ, तो पाइप के बीच का जो स्पेस होता है वो ल्यूमेन है। तो पाइप मान लीजिए कहीं पानी में आप ऐसे रख देते हैं तो एक एक पाइप के अंदर बीच का स्पेस बन जाएगा और एक उसके बाहर का बन जाएगा। तो बाहर के स्पेस को एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोल देते हैं और अंदर के स्पेस को ल्यूमिनल बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में, दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। क्लियर हो गया? ओके, यू मस्ट नो दिस ओनली। इसके बाद इनके अगर हम टाइप को देखते हैं तो टाइप दो टाइप के होते हैं, एक रफ होता है, एक स्मूथ होता है। और टाइप बना कैसे? टाइप बना एक्चुअली में एक और सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। अगर वो सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, जो ये डॉट डॉट दिख रहा है ना, टिकुली आपको दिख रही है ना, टीका, ठीक है, ये राइबोसोम्स है एक्चुअली में। क्या है? राइबोसोम्स। तो अगर ये प्रेजेंट है तो इनको हम क्या बोलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब ऐसे पाइप पे मान लीजिए कि ऐसे डॉट डॉट लग गया, ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा, थोड़े से आप अगर दिमाग खुरापाती लगाएंगे तो और समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये डॉटेड स्ट्रक्चर है, तो डॉटेड स्ट्रक्चर है तो ये डॉटेड डॉट क्या है? राइबोसोम्स के। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, अब डॉट लग गया, थोड़ा रफ हो गया, तो इसको क्या बोल दिया हमने? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर मान लीजिए डॉट नहीं प्रेजेंट है जैसे इस पे, लेकिन ये है क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको अगर ऊपर से आप ऐसे हाथ अगर इस पे फेरेंगे तो ये आपको बहुत स्मूथ लगेगा, तो इसको क्या बोल दिए? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही दिख रहा है आपको, ये देखिए,
यहाँ तक अगर आप एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, तो यहाँ पे क्या है, डॉट जो है दिख रहा है, लेकिन इधर वाले स्ट्रक्चर पे डॉट जो है नहीं दिख रहा है। तो इधर वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा एस ई आर, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ, और इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आर ई आर। इसके पहले हमने पढ़ा है, आपको याद होगा कि राइबोसोम, राइबोसोम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, राइबोसोम एक्चुअली में प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। एक सेकेंड, इसका थिकनेस नहीं बढ़ेगा क्या? ओके, चलिए कोई बात नहीं। सो राइबोसोम, ये राइबोसोम जो है ना, ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाते हैं। नहीं, क्यों कहलाते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, हमने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को, आपको इधर साइड में आपको लिंक मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन, वहाँ क्लिक करके आप डायरेक्ट इस पे जा सकते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होती है, ठीक है। इधर न्यूक्लियस से आपका बन के क्या आता है, एमआरएनए निकल के आता है, ठीक है। कहाँ से, न्यूक्लियस के अंदर से ट्रांसक्रिप्शन होता है ना एमआरएनए, और एमआरएनए पर राइबोसोम चिपकता है और प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, ट्रांसलेशन का इवेंट जो होता है। अब ये प्रोटीन जो है ना, ये प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में घुसती है ऐसे, ठीक है। सो प्रोटीन आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर बना, ठीक है, दिस इज प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद कुछ तो मॉडिफिकेशन इसमें होना चाहिए ना, हेलिकल लूप में या बीटा सीट ऐसे ऐसे, क्लियर है कि नहीं, एन टर्मिनल सी टर्मिनल। अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना, इसके बाद और इसमें मॉडिफिकेशन होगा, लो भाई कुछ और अटैच हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल, मान लीजिए कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच हो गया, तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गया। लो भाई, इसके बाद भी क्वाटरनरी, मतलब अलग अलग ऐसे प्रोटीन, जैसे हीमोग्लोबिन में हम देखते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, क्लियर है। तो ये सारा चीज़ कहाँ हो रहा है, ये सारा मॉडिफिकेशन, सारा चीज़ कहाँ होगा, ये आपका होगा ल्यूमेन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और इसके कंटिन्यूएशन में जो अगला सेल ऑर्गेनेल हम पढ़ेंगे, क्लियर है। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में, और इन स्मूथ का क्या काम हो जाएगा, स्मूथ का काम होता है लिपिड सिंथेसिस और कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन जो होते हैं एनिमल सेल के केस में, वो समझ रहे ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम नहीं है, तो ये कतई किसी भी कीमत पे प्रोटीन नहीं बनाएगा, जहाँ राइबोसोम होगा वहीं प्रोटीन सिंथेसिस होगी, क्लियर है कि नहीं। अगला सेल ऑर्गेनेल जो कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, वो गॉल्जी अपरेटस है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलो गॉल्जी ने। देखिए जो यहाँ पे दिया है, मैं उससे थोड़ा सा इधर उधर हो सकता हूँ, ज़्यादा नहीं, जो एनसीईआरटी में दिया है, क्यों, क्योंकि बहुत डिटेल पढ़ाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों के लिए, क्लियर है, इसलिए मैं लिमिट कर रहा हूँ। ज़्यादा पढ़ना होगा तो बहुत सारे सोर्सेस हैं, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, नहीं कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए तो मैं उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेंथ में बना दूंगा। आप गॉल्जी अपरेटस को पढ़ेंगे, हम एक एक क्लास नहीं, चार क्लास ले लेंगे इसके लिए अलग से, ठीक है। सो यूकैरियोटिक सेल का ये पार्ट है, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेनस है, और सेल ऑर्गेनेल जो कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो प्रोकैरियोट में कहीं नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट राइबोसोम जो कि नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। सो कैमिलो गॉल्जी 1898, ठीक है, डेंसली स्टेंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, मतलब रेटिकुलम का मतलब ये भी नेटवर्क है, ठीक है, नेटवर्क है। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं ना लेंथ में, जो वहाँ पे रेटिकुलम था सीधे सीधे, तो इस रेटिकुलम वाले स्ट्रक्चर को या नेटवर्क को यहाँ क्या बोल रहे हैं, सिस्टर्नी, मान लीजिए स्ट्रक्चर ऐसे है ना, हाँ, तो इसको सिस्टर्नी बोल रहे हैं। और ऐसे ही ढेर सारी सिस्टर्नी, ठीक है, एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होती हैं, ठीक है, पैरेलली अरेंज होती है, और इसके बीच में सोचिए ना, ये अटैच होता है, इंटरकनेक्टेड होता है सब, तो ये अटैचमेंट जो होता है ना, इसके लिए यहाँ पे गॉल्जी मैट्रिक्स होता है, आपके बुक में नहीं है ये वर्ड, ठीक है। इसमें स्पेशल कुछ प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स, ठीक है, फाइबर्स, जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे भी हेल्प करते हैं, और उसके अलावा जो अभी प्रोटीन बनेगा उसकी सॉर्टिंग में भी हेल्प करते हैं, क्लियर है कि नहीं। ओके, सो ये जो है ना इंटरकनेक्टेड होते हैं, और ये किससे इंटरकनेक्टेड होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे तो दो फेस दिखेगा, ये देखिए एक फेस ये दिख रहा है जो कि न्यूक्लियस की साइड में होता है या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की साइड में होता है, तो इसको बोलते हैं सिस फेस, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस। और दूसरा ट्रांस फेस होता है जो कि अपोजिट होता है, अवे फ्रॉम दी न्यूक्लियस साइड या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइड होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेच्योरिंग फेस। मेच्योरिंग क्यों, क्योंकि
इधर से जो प्रोटीन आ रही है या लिपिड आ रहा है सपोज, तो अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गॉल्जी एपरेटस में आएगा और यहाँ पे भी मॉडिफिकेशंस होते हैं। मॉडिफिकेशन होकर जब इस साइड में निकलेगा तो ये कहाँ होता है, मेच्योर हो चुका है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं, मेच्योर हो चुका है। तो दो फेस क्लियर है, मेच्योरिंग फेस, ट्रांस फेस, सिस फेस, फॉर्मिंग फेस। सिस फेस किधर होता है, क्लियर है, ट्रांस फेस किस साइड में होता है, क्लियर है। ओके, स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, साइज तो 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, डिस्क शेप भी होते हैं, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। सैक्स मतलब ये देखिए थैला, सिस्टर्नी का मतलब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्लियर है कि नहीं। ओके, कॉन्सेंट्रिकली अरेंज है, पहले बताया एक ही सेंटर इनका होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक अरेंजमेंट होता है, अलग अलग रेडियस पे अरेंजमेंट नहीं होता है, क्लियर है कि नहीं। और अगर हम किसी सेल को ऑब्जर्व करते हैं तो जो ये स्टैक्स है ना, सिस्टर्नी के स्टैक्स है, ये एक जगह पे 8 तक देखने को मिलते हैं, लेस देन 8 या 8 तक। ठीक है, लेकिन एक सेल में ये एक से लेके ढेर सारे हो सकते हैं, मतलब फ्यू, मतलब कुछ से लेके 2, 4, 5 से लेके हजारों तक हो सकते हैं ऐसे स्टैक्स। ठीक है, वो सेल के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी प्रोटीन किस टाइप की चाहिए, क्लियर है कि नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भाई, यूकैरियोटिक सेल में जो प्रोटीन की सॉर्टिंग होती है, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, उसमें गॉल्जी एपरेटस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो हम सिस सिस वाले पूरे स्ट्रक्चर को सिस गॉल्जी नेटवर्क या सीजीएन बोलते हैं, और ट्रांस वाले स्ट्रक्चर को पूरा ट्रांस गॉल्जी नेटवर्क। और ये ट्रांस सिस्टर्नी हो जाता है, और ये मीडियल मतलब बीच वाली, और इधर वाली सिस। क्लियर है, ये देखिए क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ऐसे अरेंजमेंट पूरा एकदम एक के ऊपर एक, जैसे पैनकेक्स होता है ना, तो पैनकेक्स की तरह अरेंजमेंट दिख रहा है। या मोटी लिट्टी थोड़ी सी बनाइए और लिट्टी को ऐसे 8-10 लिट्टी को एक साथ लगा दीजिए, तो ये देख रहे हैं ना इसके बीच में ये गैप, तो यहाँ पर भी ल्यूमेन आपको दिख रहा है सिस्टर्नी के बीच में। तो ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, मतलब पाइप एकदम ऐसे चपटी सी होती है, मोटी सी पाइप, गोल सी पाइप नहीं होती, चपटी सी पाइप होती है। ठीक है, और इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, जब यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है, मतलब सिस फेस से इस तरफ से जब प्रोटीन, ये आपका RER साइड है, तो इधर से जब प्रोटीन की वेसाइकल ऐसे कोट होके आ रही है ना, इधर जब इंटर करती है ऐसे किनारे किनारे जाती है, ठीक है, तो मेच्योर हो रही, तो अंदर साइड में यहाँ पे एक इवेंट होता है जिसको ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। ग्लाइको साइलेशन मीनिंग समझ रहे हैं, चाहे लिपिड हो चाहे प्रोटीन हो, ठीक है, या प्रोटीन हो, इसमें क्या ऐड होता है, ग्लूकोज या कोई भी कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको साइलेशन से ग्लाइको लिपिड या ग्लाइको प्रोटीन बनेगा, तो क्या बनेगा, ग्लाइको प्रोटीन या ग्लाइको लिपिड बनेगा, क्लियर है कि नहीं। और इनका काम होता है सॉर्टिंग का, सॉर्टिंग स्टेशन की तरह काम करते हैं, और इसी सॉर्टिंग, दोनों दोनों सॉर्टिंग करते हैं, ये भी करता है ये भी करता है। ये किस लिए करता है, ये सॉर्टिंग पहली सॉर्टिंग करता है कि जो यहाँ पे ये वेसाइकल आया, सैक आया इसके पास, तो इसको आगे भेजना है, और कुछ जो प्रोटीन यहाँ रहेंगी वापस भेजने वाली, उसको फिर से वापस भेजेगा। तो इस मूवमेंट को भी एक नाम देते हैं, जो आगे या फॉरवर्ड मूवमेंट होता है इसको एंटीरोग्रेड बोलते हैं। ठीक है, एंटीरोग्रेड, और जो पीछे मूवमेंट हो रहा है इसको रेट्रो, रेट्रो मतलब समझते हैं ना, पीछे पुराना, तो रेट्रोग्रेड मूवमेंट, समझ रहे ना। ऐसे ही ये जब ट्रांस पे पहुंचता है ना, तो यहाँ पे भी सॉर्टिंग होती है, क्या हो रही है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग कि मतलब क्या किधर जाएगा, मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली प्रोटीन है, तो ये वेसाइकल में पैक होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा, और अगर मान लीजिए इंट्रा सेलुलर जो अदर फंक्शनिंग है, अदर ऑर्गेनल्स है, उधर भेजना है, तो ये अंदर मूव कराएगा, तो यहाँ पर ये सॉर्टिंग होती है, समझ रहे ना। इसी में से जब सॉर्टिंग होती है तो ये गोला बन के ना लाइसोसोम भी बनाते हैं, समझ रहे ना, अभी आगे स्ट्रक्चर हम देखेंगे, क्लियर है। ओके, सो ये सीजीएन हो गया, टीजीएन हो गया, उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स हो गया। लाइसोसोम जो कि इसका तीसरा इंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का तीसरा सेल ऑर्गेनेल है, देखिए यहाँ पे मैंने पूरा स्ट्रक्चर दिखाया है, ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए इमेज दी है। ठीक है, आप टेंशन ना लीजिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, लाइसोसोम को बहुत कॉमनली हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये अभी बताते हैं आपको। सो ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, वेसाइकुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे टाइप से होता है। ठीक है, ये नेटवर्क ऐसे लंबा लंबा नहीं होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये नेटवर्क से कट के बना है, जो गॉल्जी नेटवर्क है ना, तो इसी से ऐसे बड ऑफ होता है, बड ऑफ होके ये वेसाइकल बनाता है, क्या हो रहा है, बड ऑफ। ठीक है, समझ रहे ना, जैसे उसमें फंजाई जो होता है, कौन सा, यूनिसेलुलर फंजाई,
ईस्ट जिसको बोलते हैं, तो ईस्ट में चेन बनती है ना, ईस्ट का स्ट्रक्चर ऐसे, तो ये देखिए ये बडिंग होती है ना, वैसे ही यहाँ पे होता है बड अप, क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे एक्चुअली में पैकेजिंग का काम होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन दी गॉल्जी अपरेटस। तो ये गॉल्जी अपरेटस का पार्ट है, और यहाँ पे जब पैक होता है ना कुछ मटेरियल, जैसे इसके अंदर कुछ पैक हो रहा है, तो यहाँ पे प्रोटीन भी पैक होती है, लिपिड भी पैक होता है, या बाकी कुछ और इसमें एंजाइम्स पैक होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं, समझ रहे हैं नहीं? तो यहाँ पे बेसिकली जब एंजाइम पैक होते हैं ना, और उन ऐसे एंजाइम जो कि अदर सेल ऑर्गेनेल या अदर कुछ जो लिपिड को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को ना हाइड्रोलाइज कर दें, ठीक है, मतलब डाइजेस्ट कर दें, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस एंजाइम की वजह से जो है ना, इस एंजाइम की वजह से इसको क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। क्यों? क्योंकि अगर ये बैग फट गया ना, तो आगे पीछे जो भी सेल ऑर्गेनेल होंगे वो डैमेज हो जाएंगे, और अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगा? सेल डेथ। इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो ये हेल्प भी करते हैं, जो सेल डेब्रीज होती हैं, जिनकी फंक्शनिंग या डैमेज हो गए हैं, तो उनको ख़त्म भी करना है, ठीक है, सेल को क्लियर और क्लीन भी रखना है, तो उनका उसमें भी इनका रोल होता है। तो इसमें क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम का मतलब ये प्रोटीन, वही प्रोटीन जो शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोलाइजेज में लाइपेजेज आएंगे, प्रोटीजेज आएंगे, कार्बोहाइड्रेट आएंगे, ठीक है। ये क्या होता है? ये डाइजेस्ट करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट को करेंगे, प्रोटीजेज प्रोटीन को करेंगे, लाइपेजेज लाइपेज को करेंगे, मीन्स लिपिड्स को करेंगे, ठीक है। और इनकी एक्टिविटी जो होती है एसिडिक पीएच पे होती है, मतलब ऑप्टिमल एक्टिविटी या मैक्सिमल एक्टिविटी एसिडिक पीएच पे देखने को मिलती है। यहाँ देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ से देखिए हम बताए ना, इधर से गया, ये देखिए कट ऑफ हुआ, देखिए ये सीओपी है ना, कोट प्रोटीन, इसके ऊपर कोट प्रोटीन लगा, मतलब बीच में आपका कार्गो है, ऊपर से कोटिंग हुई, अब ये वेसाइकल के फॉर्म में गया और ये सीजीएन पे पहुंचा। ये गॉल्जी नेटवर्क का पार्ट है, सीजीएन, ठीक है। अब सिस गॉल्जी नेटवर्क, अब यहाँ पे देखिए फ्यूज हो गया, ये फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ये एर्गिक पार्ट है, ERGIC, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्जी इंटरमीडियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओके। यहाँ पे पहुँचा, अब देखिए इधर एक ही मूवमेंट दिखाया, इधर गॉल्जी सिस्टर्निन पहुँचा, मॉडिफिकेशन होता रहेगा, गॉल्जी सिस्टर्निन टीजीएन पे पहुँचा। अब यहाँ पे देखिए सिक्रेटरी वेसाइकल है ना, सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में रिलीज हुआ, और कुछ स्पेशल देखिए यहाँ पे क्लैथरीन कोटेड प्रोटीन देख रहे हैं ना, तो ये अलग कोटिंग है, और यही जो कोटिंग होती है यही लाइसोसोम बनाता है, इंडोसोम बनता है, इंडोसोम या लाइसोसोम। लाइसो का मतलब जो लाइसिस करा दे, सोमा का मतलब बॉडी, तो इंडोसोम्स या लाइसोसोम यहाँ बनते हैं। क्लैथरीन कोटिंग जब होती है तो ये फॉर्मेशन हो जाता है। उसके अलावा फॉर्मेशन देखिए COP1 कोट प्रोटीन 1, और ऐसे ही COP2 भी होता है। क्या होता है? COP2 कोट प्रोटीन 2, तो इनका अलग फंक्शनिंग होता है। देखिए वापस भी आ रहा है ना, तो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है कि भाई इसकी रिकवरी होनी जरूरी है, ठीक है, तो रिकवरी में ये वापस आता है। तो ये वापस आ रहा है ना, इसी को हमने बोला कौन सा मूवमेंट बोलते हैं? रेट्रो ग्रेड मूवमेंट। और ये जो आगे जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? एंटीरो ग्रेड। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं? आई थिंक क्लियर है ना? हाँ, मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया भाई। इरेज कर दें, देखिए लास्ट है इसमें वैक्यूल, ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, और इसमें देख रहे हैं वैक्यूल है, तो ऑलमोस्ट अराउंड 90% जो वॉल्यूम होता है सेल का, प्लांट सेल का, ठीक है, उसमें उसको वैक्यूल कवर करता है। एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं देखने को मिलता है, या तो अगर मिलेगा तो बहुत छोटा सा मिलेगा, बहुत कम मिलेगा, ठीक है, तो ऑलमोस्ट या तो हम अब्सेंट ही मानते हैं, क्योंकि एनिमल सेल में इसका रोल नहीं है, ठीक है। और वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो इसकी मेम्ब्रेन को हम यहाँ पे एक स्पेशल नाम देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। और मेम्ब्रेन है तो ये भी क्या करेगा? आयंस के मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा, स्पेसिफिकली सेलेक्टिव वे में। किसमें? सेलेक्टिव वे में, क्योंकि मेम्ब्रेन है ना, सारी मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमेबल होती हैं, जब तक या अंटिल उसकी इंटीग्रिटी जो है ना लूज ना हो, ठीक है। अगर इंटीग्रिटी इंटैक्ट है, इंटीग्रिटी मेंटेन है, तो हमेशा सेलेक्टिव परमेबिलिटी शो करेंगे। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये भी ध्यान रखना है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होता, सिंगल मेम्ब्रेन, इसको टोनोप्लाज बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, ओके। और ये क्या कंटेन करेंगे? वाटर कंटेन करेंगे, सैप कंटेन करेंगे, या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट भी यहाँ पे जाएंगे, ठीक है।
जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं होंगे। जैसे कुछ कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं ना, तो कभी कभी वो भी यहाँ पे स्टोर हो सकते हैं। जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं सपोज सेल के अंदर, तो वो भी इधर आके इकट्ठा हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पड़े रहेंगे। और एक्चुअली में क्या होता है, टॉक्सिन मान लीजिए यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इकट्ठा होने लगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना कि अंदर का जो सेल का कंसंट्रेशन है ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा ना इन टॉक्सिन से या वेस्ट प्रोडक्ट का, और बाहर कम रहेगा ना। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है ना, इसको यहाँ से यहाँ भेजेंगे। मतलब इसके बाद जो है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा फिर, समझ रहे हैं? नहीं, तो अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे मूवमेंट होता है, ध्यान में रहे, ठीक है। अमीबा के केस में अगर हम बात करते हैं, जैसे अमीबा की अगर हम बात करते हैं, तो अमीबा में ऐसे एक वैक्यूल देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन रोल क्या है, वो क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। किसमें रोल करता है, एक सेकेंड, कहाँ गया, इधर, ऑस्मो रेगुलेशन, ये है ना अमीबा के केस में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है, जैसे आयन्स होते हैं ना, जो आयन्स, तो इनको मेंटेन करना। और कुछ सेल के अंदर जैसे प्रोटिस्ट हैं, उसमें फूड वैक्यूल्स जो बनती हैं, फूड वैक्यूल का मतलब होता है जब हम फूड इंगल्फ करता है ये सेल या जो ऑर्गेनिज्म है, तो फूड पार्टिकल इंगल्फ करने के बाद वहाँ पे एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। तो हमारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ख़त्म हुआ, और आई थिंक कि मतलब आपको कम्प्लीटली क्लियर है कि अब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है, समझ में आया कि नहीं? तो हमने वैक्यूल्स देखा, ठीक है, वैक्यूल्स के बाद उसके पहले क्या देखा था, हमने लाइसोसोम देखा था, लाइसोसोम के पहले हमने गॉल्जी एपरेटस देखा था, गॉल्जी एपरेटस के पहले हमने देखा था क्या, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में समझा, और ये बीच में हमने स्लाइड डाली थी, आप इसको देखिएगा, ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, क्लियर है कि नहीं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। सो आई थिंक अब सारी चीज़ें क्लियर हैं आपको। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल, थैंक यू।